हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेहा कुकिंग स्टाइल में। तो दोस्तों, आज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं फिश कड़ी। तो चलिए दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में एंड तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, फिश कड़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर फिश ले लिया है इस तरीके से। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर बारीक कटा हुआ लहसुन ले लिया है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर चॉप किया हुआ ऑनियन एंड चॉप किया हुआ टमाटो ले लिया है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड मीट मसाला। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने खड़े मसाले ले लिए हैं। एंड उसके बाद हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल रख लिया है। मस्टर्ड ऑयल रखने के बाद हमने इसमें खड़े मसाले ऐड कर लिए हैं। एंड खड़े मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें ऑनियन को इस तरीके से फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसको हल्का ब्राउन कर लेना है। एंड उसके बाद टमाटो में हम बेसिक मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड रेड चिली। तो दोस्तों, सारे मसाले ऐड कर लिए। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर ऑनियन फ्राई हो चुका है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें हमने टमाटर ऐड कर लिया है एंड मसाले। और उसके बाद इसको कच्चे की सहायता से इस तरीके से चलाते जाएंगे। हल्का सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि मसाले जो हमारे जले ना। इस तरीके से अच्छी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर फिश को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो दोस्तों, फिश को वॉश करने के बाद हमें यहाँ पर फिश को इस तरीके से ग्रेवी में ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, सारे फिश को इस तरीके से हम ग्रेवी में ऐड कर लेंगे इस तरीके से। एंड उसके बाद ऐड करने के बाद इसको इस तरीके से कच्ची की सहायता से चलाते जाएंगे, आपस में इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो अच्छे से फिश के साथ मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से कच्ची की सहायता से इसको मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, उसके बाद इसमें करीबन एक गिलास पानी ऐड कर लेंगे। उसके बाद कच्ची की सहायता से इसको मिक्स कर लेंगे। एंड उसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकने के छोड़ देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फिश कड़ी बनके रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।